हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइट नॉइस गेमिंग। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ओरी एंड द विल ऑफ द विस्प का गेम प्ले। वाटर फ्रॉम लुमा पूल्स फ्लो थ्रू हियर फीडिंग द मार्श विद लाइफ और इट यूज्ड टू फ्लो बिफोर द डिके। तो यहाँ पे वो पहले पानी बहता था पर अभी ये पानी रुका हुआ है। तो अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग मिले थे कोवलॉक से और वहाँ पे हमारी एक नई क्वेस्ट शुरू हुई थी द साइलेंट टीथ। तो उसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ये वाटर मिल को चालू करें जो कि यहाँ वेल स्प्रिंग में है। तो हम आ गए हैं वेल स्प्रिंग में, तो चलिए फिर चलते हैं और वाटर मिल को चालू करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये एक गेट है और यहाँ पे ओफर खड़ा हुआ है। हेलो अगेन, द स्टोर माइट बी द एंड फॉर बोथ आवर जर्नीस। तो ये डोर यहाँ बंद है और इसी वजह से ऊपर भी अंदर नहीं जा पा रहा है। इसको कुछ लाइब्रेरी में जाना था किताबें ताबें पढ़ने। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए ताकि आप और भी ओरी एंड द विल ऑफ द विस्प और मेरे और गेम प्ले की वीडियोज देख सकें और एंजॉय कर सकें। यहाँ पे घोंगा भाई साहब को मैंने निपटा दिया है। अब चलो इधर नीचे देखते हैं। तो यहाँ नीचे ये बाड़ा टाइप का बना हुआ है, तो यही वो चीज़ थी जो स्टॉप कर रही थी इस चक्कियों को घूमने से, और ये गेट बंद था। लेकिन अब ये गेट खुल गया और ओफर अंदर घुस गया है। तो चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं इस गेट के। और यहाँ पे एक कट सीन आ गया है, द डिस्टेंस वॉज वास्ट। तो यहाँ पे घूमो और नारो दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों ने अपनी एक छोटी सी बोट बना ली है। इट कुड नॉट कीप द फैमिली अपार्ट। तो ये लोग भी निकल पड़े हैं ओरी और कू की तलाश के लिए। तो हम लोग इस गेट के दूसरे एंड पे निकल आए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे फिर से ये इन चक्कों को रोकी हुई थी और हमने इसको फोड़ दिया है, तो ये चक्के चलना चालू हो गए हैं। इसकी मदद से हम लोग दूर तक कूद सकते हैं क्योंकि ये चक्के चालू हो गए हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और वहाँ पे ऊपर एक और मुझे वो दिख रहा है, हरी हरे गुब्बारे। तो चलिए चल के इनको भी फोड़ देते हैं। तो इनको फोड़ने से ये भी घूमने लगा, तो ये कीले वाले पार्ट नीचे चला गया। तो अब हम लोग इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेल स्प्रिंग को कैसे चालू करें और साथ ही में वेल स्प्रिंग के एंड में हमारी मुलाकात होगी एक बड़े ही खतरनाक मॉन्स्टर से। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो यहाँ पे एक और मिल गया है हमें हरा गुब्बारा और इसको भी हम लोग ओरी की बोरी से फोड़ देते हैं। और ये एक और चक्का इससे चलने लगा। तो गुब्बारे फोड़ते जाओ, चक्के चलाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही करना है इस वेल स्प्रिंग में। और लगता है इन्हीं चक्कों इन्हीं गुब्बारों की वजह से वेल स्प्रिंग जाम हो रखी। क्या है? अरे भाई भाई, मार रहा है ये तो जंगली गेंडा। अरे ओरी की बोरी से भी मजा जगाते हैं। ये देखो, इसको निपटा दिया तीर कमान से। ओरी हमारा हॉकाई से भी कम नहीं है ना स्पाइडरमैन से। और ये टार्जिंग की तरह वो उछलते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हमें शायद ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे ऊपर ये देखिए, ये फिर से हरे गुब्बारे लटके हुए और इसको फोड़ा तो ये चक्के चलने लगे।
तो अब हम लोग नीचे वहां आके जा सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे मच्छर हमारा इंतजार कर रहा है। अबे ऊपर ही आ गया ये तो, इसको फोड़ दिया मैंने। यहाँ ऊपर देखते हैं चल के क्या है। ओ यहाँ पे तो लूपो है, लूपो द मैप मेकर, तो उससे हमने ये मैप बाय कर लिया है वेल स्प्रिंग का, और अब हमें पूरा मैप दिखने लगा है। तो चलते हैं आगे, एक और गेट है जो मैं उस मैप पे दिखा। तो ये रहा वो गेट, पर ये गेट भी बंद है और इसके अंदर अभी नहीं जा सकते। तो देखते हैं आगे, इस गेट को भी खोलने की चाबी होगी कहीं। अबे यार ऊपर ही घुस गए, निकल यहाँ। तो ये मैप मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे यहाँ पे एक एंसेस्ट्रल ट्री है। तो मैं पहुँच गया हूँ इस ट्री पे और मैं यहाँ से स्पिरिट लाइट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और हमें मिली है नई एबिलिटी ग्रैपल, और हम लोग हुक्स या ब्लू मॉस पे पुल योरसेल्फ टुवर्ड्स देम, तो अब हम लोग ग्रैपल कर सकते हैं। तो जैसे ये पेड़ पे ये हुक है, तो इस पर हम लोगों ने डायरेक्टली ग्रैपल कर लिया। तो हम वापस आ गए इस गेट पे, और इस गेट के ऊपर भी यही एक हुक है, और यहाँ पे ये लिवर, तो ये लिवर को खींचते हैं, और ये लिवर को खींचने से ये गेट खुल गया है। तो अब हम लोग इस गेट के पार जा सकते हैं। तो गेट के दूसरी साइड आ गए हम लोग, और ये वही एरिया है जहाँ नीचे वाले गेट से हम लोग उधर गए थे। तो अब हमें यहाँ ऊपर वाले गेट पे जाना है, और साथ ही में ये चलिए स्प्रेड शॉट को भी उठा लेते हैं। तो ये हमें स्प्रेड शॉट मिल गया, और ये रहा हमारा गेट, चलो ये वाला खुला हुआ। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफर भी है। द वेल स्प्रिंग वॉज होम फॉर अ ग्रेट लाइब्रेरी, व्हाट वंस वाज लॉस्ट वाटर सिट स्टिल। तो चलिए ऑफर पास चलते हैं और बात करते हैं क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। The legends were true, the wellspring library, just look at all this knowledge. A foul presence is nearby. Mind checking on it. तो ये हमें वार्न कर रहा है ऑफर की, आसपास कुछ फाउल प्रेजेंस है, यानी कोई ईवल यहाँ मंडरा रहा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे हमारा वो जाना था ऑब्जेक्टिव था जो। अबे ये क्या है, अबे ये क्या है, ऊपर आ गया। तो ऊपर ने हमें यहाँ पे बचा लिया इससे। पप्पी, अबे साले पप्पी नहीं है वो, देख उसका साइज पहले, पप्पी नहीं है, तेरी पप्पी ले लेगा वो। ये तो बाहर निकला है। ओके तो हमें अब भागना पड़ेगा यहाँ से, वरना ये पप्पी हमारी पप्पी ले लेगा। तो ये काफ़ी फेवरेट पार्ट है मेरा इस गेम का, जब हमें अपनी एबिलिटीज जो जो मिलती हैं उन सब की मदद से तेज़ी से भागना पड़ता है वेलन से। हाँ लड़ना भी पसंद है यार, बट ठीक है भागने में भी मतलब मज़ा ही है। तो वो हमारा पीछा कर रहा है लगातार, पप्पी या जो भी बोल लो उसको, पप्पी भाई। तो यहाँ पे हम लोग वो ग्रैपल एबिलिटी से ग्रैपल कर रहे हैं ब्लू मॉस पे। और वो देखो पप्पी भाई हमारे यहाँ पे भी पहुँच गए पीछे करते हुए। अभी यहाँ ऊपर नहीं जाना था। तो गाइस वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और काफ़ी मज़ा आ रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट भी, काफ़ी आगे तक मैं पहुँच गया था। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे दो तीन अटेम्प्ट हो गए हैं, उसके बाद का ये फाइनल अटेम्प्ट जिसमें मैंने सक्सेसफुली पार करा। इसमें भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई, बट दो तीन बार करने की वजह से काफ़ी चीज़ें पहले से पता थी आगे क्या आने वाला है।
तो यही वो जगह थी जहाँ पे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में चकमा खा गया था, बट इस बार नहीं, इस बार हमने इसे पार कर लिया है। अबे क्या कर रहा है ये, कहाँ गिर गया ये, पानी में गिरा है लग रहा है। अबे नहीं, जमीन में पड़ा हुआ है, इतनी ऊंचाई से जमीन पे गिरा है सीधे, ये कैसे बच गया भाई, ये और ही बड़ा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे वेल स्प्रिंग लगता है चल गई है, द वाटर फ्लोज वंस मोर स्विफ्ट एंड क्लियर ब्राइट एंड क्लीन। तो वो वेल स्प्रिंग लगता है वही ईवल जो था, जो पप्पी भाई तुम्हारे उसकी वजह से नहीं चल रही थी, पर जैसे ही वो वहाँ से हटे वैसे ही वेल स्प्रिंग भी चालू हो गई और पानी भी इतनी तेज़ आया कि हमें पानी से भागना पड़ा। तो साइलेंट टीथ हमारी यहाँ पे अपडेट हो गई है, वाटर फ्लो चालू हो गया है और बिंग कोवलॉक द गुड न्यूज़। तो हमें रिटर्न टू कोवलॉक करना है और उसको गुड न्यूज़ देनी है कि अब पानी साफ है और ओरी अब पानी में तैर सकता है जैसे मैं अभी तैर रहा हूँ। तो गाइस, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपसे मैं मुलाकात करूँगा अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं इसका थोड़ा उससे साइड क्वेस्ट और थोड़ी बहुत उधर की चीज़ें दिखाऊंगा वेल स्प्रिंग की, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, वाइट नॉइज़ आउट।